फॉर एग्जाम्पल यार, आप मेरा चैनल ही देख सकते हो, मैं वीडियोस को किसी टाइम पे भी पब्लिश कर देता था, मेरे व्यूज़ नहीं आते थे, 100-150 व्यूज़ ही आते थे, लेकिन अब मेरे व्यूज़ 500, 700, 800, 1000 तक पहुंच जाते हैं और ये धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। 3 महीने की ग्रोथ के बाद मुझे ये रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको एक अच्छे से टाइम पे अपनी वीडियो को पब्लिश करना है जिससे आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन एक अच्छे टाइम पे वीडियो को पब्लिश करने से पहले आपकी वीडियो का स्ट्रॉन्ग SEO होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी वीडियो का स्ट्रॉन्ग SEO करते हो, उसके बाद अपनी वीडियो को उस टाइम पे पब्लिश करते हो जब आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तब आपकी वीडियो को नेचुरल हाइप मिलेगी जिससे कि आपकी वीडियो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी और आपको अच्छे खासे व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, ये एक्सपेरिमेंट एक बार करके देखना, ये वाकई में ही यूज़फुल एक्सपेरिमेंट है और मैंने भी काफ़ी अपने चैनलों पर किया है, म्यूज़िक चैनलों पर मैंने खास करके किया और मुझे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो गाइस, आपको काफ़ी क्रिएटर ये भी बताएंगे कि आपको किस टाइम पे वीडियो अपलोड करनी चाहिए, आपको रात को अपलोड करनी चाहिए या फिर आपको 8 बजे अपलोड करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो आपको वैसे ही बता देंगे कि आपको रात को वीडियो अपलोड करनी चाहिए। भाई, उनके चैनल की ऑडियंस रात को एक्टिव होती है, तो आप अपनी ऑडियंस को देखो ना, आपकी ऑडियंस कब एक्टिव होती है। अगर आपकी ऑडियंस 4 बजे एक्टिव होगी तो आप रात को 8 बजे वीडियो डालोगे तो आपकी वीडियो की रीच तो खत्म होगी ना। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपकी आंखों की पट्टी सारी खोल दूंगा और आपको किस टाइम पे अपनी वीडियो अपलोड करनी है ये आप खुद ही जान जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करने का भी एक टाइम रखना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है ये टाइम, जब आपकी ऑडियंस एक्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जब 100 लोगों को एक साथ भूख लगी हो और एक थाली रोटी की होती है तो आप उनके आगे रखोगे तो वो 100 के 100 आपकी थाली पे टूट पड़ेंगे, यानी कि वो 100 के 100 लोग आपकी वीडियो की तरफ आ जाएंगे। तो गाइस, जिस टाइम व्यूवर्स आपकी वीडियो को देखना चाहते हैं उस टाइम पे आप अपनी वीडियो को अपलोड नहीं करोगे तो आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो गाइस, इसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझ के चलिए कि आपके चैनल पे वीडियो किस टाइम पे अपलोड करनी चाहिए। तो काफ़ी ऐसे क्रिएटर भी हैं जो कहते हैं कि रात को वीडियो अपलोड करो, 8 बजे वीडियो अपलोड करो, और इसका रीज़न ये बताते हैं कि अगर आप रात को वीडियो अपलोड करते हो तो मॉर्निंग में आपके काफ़ी व्यूवर्स के हाथ में फ़ोन होता है और आपकी वीडियो को देख लिया जाएगा, जिससे आपकी इंप्रेशन और रीच बढ़ जाएगी। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अगर आप रात को वीडियो अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो फ्लॉप भी हो सकती है। सॉरी, फ्लॉप वर्ड तो म्यूजिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, आपकी वीडियो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस टाइम अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करनी चाहिए। उससे पहले आपको अपनी वीडियो का प्रॉपर SEO यानी कि स्ट्रॉन्ग SEO करना चाहिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग SEO नहीं करना आता तो आपको आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो कि आप स्ट्रॉन्ग SEO कैसे कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग SEO करने के बाद अगर आप अपनी वीडियो को पब्लिश करते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे। एग्जाम्पल आप याद ही रखना जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, भाई अगर आप उस टाइम पे कंटेंट नहीं डालोगे जिस टाइम पे आपकी ऑडियंस को आपके कंटेंट की भूख है, यानी कि जब वो एक्टिव है और वो आपकी वीडियो को देखना चाहती है, उस टॉपिक को देखना चाहती है, अगर आप उस पे वीडियो नहीं अपलोड करोगे उस टाइम, तो आपकी ऑडियंस कहीं और जाके अपनी भूख को मिटा सकती है। मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी तो भाई आपकी वीडियो क्यों देखी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आपको उस टाइम पे ही वीडियो पब्लिश करनी चाहिए जिस टाइम पे आपकी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी वीडियो की, यानी कि आपकी ऑडियंस जिस टाइम बिल्कुल फ्री होती है वो उसी टाइम यूट्यूब पे आती है और वीडियोस देखती है। दोस्तों, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको पहले देखना होगा कि स्ट्रॉन्ग SEO कैसे करना है। स्ट्रॉन्ग SEO का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, पहले उसको देखिए, उसके बाद आप अपनी वीडियो को पब्लिश करने का टाइम देखिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग SEO सिर्फ और सिर्फ सर्चिंग में आएगा आपके काम, और जब आपकी वीडियो पब्लिश की जाएगी तो आप पे नेचुरल ऑडियंस बहुत ज़्यादा आएगी। मान लीजिए आपके सब्सक्राइबर हैं 10,000 और आपकी वीडियो पे व्यूज़ आते हैं 1,000 और उस टाइम पे आपने वीडियो अपलोड कर दी तो आपके 2,000 व्यू आ गए और आपकी ऑडियंस आपको देखेगी, प्रॉपरली देखेगी, और ऊपर से आपने स्ट्रॉन्ग SEO किया हुआ है तो उसकी सर्चिंग भी बढ़ेगी,
सर्चिंग बढ़ने से क्या होगा, यूट्यूब को लगेगा कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है इसलिए आपकी वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा, तो चांसेस हाई कि आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने चैनल की ऑडियंस को कैसे जान सकते हो कि आपकी ऑडियंस एक्टिव होगी, आपको उसी टाइम पे अपनी वीडियो को अपलोड करना है। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा चैनल ओपन हो रखा है और आपको सिंपली यहाँ पे एनालिस्टिक पे जाना है, उसके बाद आपको ऑडियंस पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ऑडियंस इन चैनल्स को ज़्यादा देखती है। और जैसे ही आप इसे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आपको व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, यानी कि कब आपकी ऑडियंस यूट्यूब पे होती है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यानी कि 4 बजे भी मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे होती है और 11 बजे सुबह अभी होती है, और आप यहाँ पे देख सकते हो 2 बजे भी मेरी ऑडियंस यूट्यूब पे होती है। तो मैंने अपना यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का टाइम 2:15 इसलिए रखा था कि यहाँ पे मेरी ऑडियंस एक्टिव होती है तो भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, शाम को भी मेरी ऑडियंस एक्टिव हो जाती है तो मुझे नेचुरल हाइप मिलनी स्टार्ट भी हुई है। अगर आप पहले मेरा चैनल चेक करोगे तो उसके 150 व्यूज़ आते थे, लेकिन अब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी 500-700 व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए हैं और धीरे धीरे ये बढ़ भी रहे हैं। तो गाइस आपको भी यहाँ से चेक करना है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव होती है। और यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ, और 5 बजे भी मेरी ऑडियंस एक्टिव होती है, यानी कि मेरी ऑडियंस बहुत टाइम से एक्टिव रहती है 6 बजे तक। अगर मैं 11 बजे भी वीडियो को अपलोड करूँ तो भी मेरी ऑडियंस एक्टिव है, और अगर मैं लास्ट 6 बजे भी अपलोड करूँ तो भी मेरी ऑडियंस एक्टिव है। तो गाइस ये नहीं है कि आपकी ऑडियंस किस किस टाइम एक्टिव होगी, ये आपका चैनल ही बता देगा। अगर आपका कोई और कैटेगरी का चैनल है तो उसमें कई बार ये होता है ऑडियंस 4 बजे ज्यादा होती है, जैसे कि म्यूजिक चैनल्स पे हमेशा 8 बजे के बाद ऑडियंस ज्यादा आती है। तो मैं अपने म्यूजिक चैनल की वीडियोस को 8:30 बजे ही अपलोड करता हूं, और मैं आपको बता देता हूं यहां पे जो आपको टाइम बताया जाता है आपको उस टाइम से 15 मिनट या फिर 20 मिनट या फिर आधा घंटा बाद में वीडियो को अपलोड करना चाहिए। इसका रीजन मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आप सभी को समझ आ चुका होगा कि आपको स्ट्रॉन्ग SEO के साथ साथ वीडियो को अपलोड करने का भी टाइम रखना चाहिए। अगर आप उस टाइम पे अपनी वीडियो को अपलोड करोगे तो बहुत सारे व्यूज़ आपको मिल जाएंगे और आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यार आप मेरा चैनल ही देख सकते हो, मैं वीडियोस को किसी टाइम पे भी पब्लिश कर देता था, मेरे व्यूज़ नहीं आते थे, 100-150 व्यूज़ ही आते थे, लेकिन अब मेरे व्यूज़ 500, 700, 800, 1000 तक पहुंच जाते हैं और ये धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। 3 महीने की ग्रोथ के बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। तो आई होप कि आप भी ये चीज़ ट्राई करोगे कि आपको एक स्ट्रॉन्ग SEO करना है, उसके बाद आपको वीडियो को अपलोड करने का एक निश्चित टाइम रखना चाहिए या एक दिन छोड़ के, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी पूरी रखनी है अपने चैनल पे। ये नहीं है कि आप महीना महीना वीडियो अपलोड ना करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मैं मिलता हूं नई वीडियो में। जय हिंद।